हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। दोबारा से हम DSA ग्राउंड में हैं। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने जो कमेंट किया था उसका जवाब देने के लिए और साथ में आज हम रनिंग की हमारी क्या इम्प्रूवमेंट है वो भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखिए, हुआ क्या है कि जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन लोगों ने पूछा है वो शूज को लेकर के पूछा है कि शूज कौन सा पहने। तो देखिए, अगर शूज की बात करते हो तो सेगा का जो शूज होता है वो अभी के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि देखिए जो हम लोग जो जितने भी स्टूडेंट हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादा महंगा शूज अफोर्ड कर नहीं सकते, तो इसलिए सबसे बेस्ट जो होता है वो सेगा का शूज होता है। जैसे इन भाई साहब ने पहना इधर आई देखो भाई मनोज, तो देखिए इनका जो शूज है ना वो सेगा का शूज है। इसकी खासियत ये होती है कि इसका जो सोल होता है ना वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और लगभग मेरे ख्याल से 500 में मिल जाता है ना, 500-550 में। हालांकि अगर आप उतना भी अफोर्ड नहीं करते तो मेरे जितना 350 वाला गोल्ड स्टार भी पहन सकते हैं, ये भी पहन सकते हैं। बट डिफरेंस बस इतना आता है ना कि थोड़ा सा वो हल्का पड़ता है और ये थोड़ा सा सेगा का जो बढ़िया होता है कंपैरेटिवली मजबूत, तो ये शूज आप ले सकते हो। बाकी रनिंग के लिए आप देखो ना, आपके अंदर अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्टैमिना वगैरह बढ़िया है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो कोई भी शूज पहनो चलेगा। बस हल्का होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना होता है। अब देखिए आज की क्या स्ट्रेटजी कि हम लोग अभी जितने दौड़ रहे थे पिछली बार जो हम लोगों ने रनिंग की उसमें हमारा 4.5 मिनट तक का समय आया था, 4:22 तक आया है। आज थोड़ा सा और ज़्यादा इस मोटिवेशन और प्लानिंग के साथ आज दौड़ेंगे। कल संडे था तो एक दिन का गैप भी रहा है, तो थोड़ा सा रेस्ट भी मिल गया है, तो आज हम लोग देखेंगे कितने मिनट में हम लोग कम्प्लीट कर पाते हैं। मैं और मनोज साथ में दौड़ने वाले हैं, टाइम लगा देंगे और उसके बाद दौड़ने के बाद क्या करना चाहिए वो मैं आपको उसके बाद बताऊंगा, क्योंकि दौड़ने से पहले और दौड़ने के बाद की जो आपकी एक्सरसाइज होती है ना वो आपको काफ़ी हेल्प करती है। तो देखिए, दौड़ने से पहले आपको जो है ना थोड़ा सा जंपिंग कर लेना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से जंपिंग वगैरह कर लो ताकि जो है आपका हार्ट जो है ना थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। भाई पैर खुलना चाहिए, पैर खोल करके अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लो, ठीक है। इस तरीके से करने से आपका बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। दौड़ने से पहले ये थोड़े बहुत एक्सरसाइज आपको करना है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। फिर दौड़ने के बाद क्या करना है वो आपके आने वाले वीडियो में बताऊँगा आगे। तो भाई साहब आप जो टाइमिंग सेट करो, ठीक है, और हर राउंड में कितना हो रहा है एक राउंड पूरा करने में आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए चलिए ठीक। और फाइनली हम लोग वहाँ पे, क्योंकि ये पूरा 3 राउंड लगाने से 1050 मीटर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 50 मीटर पहले ही हमारा एंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे कितना टाइम आ रहा, मैं भी अपनी घड़ी में सेट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने घड़ी में टाइम स्टॉप वॉच लगा लिया और उसके बाद हम रेडी हो रहे थे रनिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 लोग थे, मैं, मनोज और एक और भाई थे, वो भी साथ में रनिंग के लिए शुरुआत किए, और भी लड़के थे लेकिन अभी लोग बिगनर्स हैं तो उतना किसी का पैर दर्द कर रहा है तो जिसकी वजह से वो नहीं साथ में दौड़े, और जो पहले के जो कुछ साथे थे वो आज आए भी नहीं थे, इस वजह से हम 3 ही लोग दौड़े। ग्राउंड में ट्रैक तो बनाई है रनिंग के लिए, उसके एक चीज़ और है कि यहाँ पे रस्सी डाली हुई है जिसके बाहर बाहर दौड़ने से 350 मीटर राउंड में कंप्लीट हो तीन। तो फिलहाल यहाँ पर हमने रनिंग शुरू कर दी है और स्टार्टिंग में जो क्या है ना, दौड़ते वक्त हमने टारगेट रहता है कि 1:20 या 1:22 तक, मैक्सिमम 1:25 तक हम लोग कवर करें, तब जा कर के पूरा जो राउंड है वो 4:15 या 4:22 हमारे लोग का लग जाता था। लेकिन आज जिस स्ट्रैटेजी से मैंने दौड़ने की कोशिश की थी उससे मेरा मोटिवेशन यही था कि फर्स्ट राउंड जो है 1:20 तक किया जाए, हालांकि 1:22 में पूरा हो गया था, और आखिरी जो राउंड होगा उसमें मैंने अपनी पूरी एनर्जी के साथ में दौड़ने की कोशिश की, तब जा कर के मेरा जो है ना आज 4 मिनट में पूरा हो गया। बाकी आप जो भी लोग बिगनर्स हैं मैं उनको बता दूँ कि देखिए, मैंने भी इस ग्राउंड में दौड़ने की जो मेरी पहला दिन था वो था 12 दिसंबर को, मैं पहली बार गया था यहाँ पे दौड़ने के लिए, ठीक है। उस दिन मैंने भी दौड़ा था, पैर में बहुत दर्द हो रहा था,
लगातार, और अगले दिन भी जब गया तो एकदम से पैर की जो आगे वाली हड्डी होती है जिसे सिन पेन बोलते हैं वहाँ पे भी बहुत पेन हो रहा था। फिर भी मैंने प्रैक्टिस बंद नहीं किया, लगातार जा रहा हूँ। सप्ताह में एक संडे का दिन जो कि ग्राउंड बंद रहता है उसी दिन रेस्ट किया, बट रनिंग जो है वो कंटिन्यू करता रहा। और हालांकि रोज हम लोग ये पूरा 1000 मीटर का सेट नहीं लगाते थे टाइम के साथ में। 1:22 अगर आप बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप थक रहे हो, तो आप क्या करो ना कि नॉर्मल रनिंग कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा कर सकते हो, 1000, 2000 या 3000 मीटर तक की रनिंग करिए, ठीक है, ताकि आपका जो मसल्स है ना वो क्रैम्प जो उसमें पेन हो रही है वो दौड़ने से ही ठीक होगी। देखिए अगर आप रेस्ट कर लेंगे तो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन अगले दिन फिर से वही पेन स्टार्ट होने लगेगा। इसलिए एक्सरसाइज को बंद नहीं करना होता है, आप मालिश करिए ना गरम सरसों का तेल करके, अजवाइन वगैरह डाल करके, तो उससे पेन में आपको रिलीफ मिलेगा। और यही चीज़ मैंने भी किया, आज मैं दौड़ रहा था, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ और ना ही मुझे उतनी ज़्यादा थकान महसूस हुई जो कि मुझे पहले हुआ करता था इस शुरुआत के टाइम में। तो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मैं कंटिन्यू रहा, पहली बात तो, और दूसरी बात हर नेक्स्ट रनिंग जो मेरी थी उसमें मैंने एक अलग ये माइंड मेकअप करके चला कि नहीं, मुझे तो पूरा करना है, इतने मिनट के अंदर आना है, भले ही थोड़ा बहुत लेट रहता फिर भी हताश नहीं होना चाहिए। आप एक मोटिवेशन के साथ रनिंग करते रहेंगे तो आपकी जो टाइमिंग है वो डे बाय डे कम आती जाएगी। बस इतना ध्यान में रखना है कि रुकना नहीं है, क्योंकि मैं भी जब दौड़ रहा था स्टार्टिंग में, एक राउंड करने के बाद दूसरे राउंड में ऐसा लगता था कि बस अब हो गया, अब यहीं पे एंड करो, ख़त्म हो गया, है ना, मन करता था बस रुक जाओ, लेकिन माइंड जो है ना वो कहता था कि नहीं, अभी पूरा करना है, बिना 3 राउंड किए रुकना नहीं है, ठीक है। और यही मोटिवेशन ने मुझे हेल्प किया कि मैं आज इसे पूरे 4 मिनट में 1000 मीटर कंप्लीट कर लिया। फाइनली इसे कंटिन्यू रखेंगे, उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसे 4 मिनट के अंदर में रखा जाए, ताकि वहाँ पर जब ग्राउंड में ओरिजिनल रनिंग हो तो वहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बाकी आप लोगों का जो क्वेश्चन था शूज को लेकर के, उसके बारे में मैंने बता दिया है। देखिए सेगा का शूज़ या फिर आप गोल्ड स्टार भी ले सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत पैसे की दिक्कत है तो, बट आप सेगा का ले लो, वो बेस्ट है ना, थोड़ा सा हैवी पड़ता है गोल्ड स्टार वाला, लेकिन वो भी कंफर्टेबल है, मैं उसी से हमेशा से ही रनिंग करता रहा हूँ, है ना, तो मुझे कोई परेशानी होती नहीं है एक्चुअली। दूसरी बात, ग्राउंड में दौड़ने की प्रैक्टिस करें, रोड पे दौड़ेंगे तो आपके पैर में ज़्यादा चोट आएगी और दर्द भी ज़्यादा होगा, है ना, उसमें जर्क आता है। तो इस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करना है, बस ये मोटिवेशन रखना है, चाहे दर्द हो या ना हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दर्द हो फिर भी आप मालिश तो करिए बट अपनी प्रैक्टिस को ख़त्म नहीं करिए, है ना। तो इस मोटिवेशन के साथ आप देखिए, मेरा फाइनल राउंड है 358 हो चुका हो गया उनका पूरा, और यहाँ पर आप देखिए कि 4 मिनट में लगभग मैंने इसे पूरा कर लिया है, ठीक है। आगे का जो 50 मीटर है वो एक्स्ट्रा हम लोग दौड़ते हैं, तो उसे भी आज मैंने 4:13 में पूरा कर लिया है, कहीं ना कहीं एक अच्छी बात थी मेरे लिए। बाकी आप भी इस तरीके से करते रहिए, आपका भी जरूर एक दिन ऐसे ही पूरा हो जाएगा। 4:19 उनका भी होगा, 4:19 पहुँचे। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अभी बेल बटन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होता है। हमने ये 3 राउंड पूरा कर लिया 1000 मीटर, है ना, तो हमारा जो टाइमिंग आया है जैसा कि भाई ने देखा था 4 मिनट, एग्जैक्टली 4 मिनट आया है। तो आज बड़ा खुशी है मुझे, क्योंकि पिछली बार जब मैं दौड़ा था तो मेरा 4:20 आया था, ठीक है, अभी आज मैंने 4 मिनट पूरा कर लिया है। तो उसका एक मोटिवेशन मैं बता दूँ कि क्या किस वजह से मैंने ये कर पाया। सबसे बड़ी वजह थी कि मैं देखो कल संडे था, पूरे दिन अच्छे से रेस्ट किया था, ठीक है, और मन में एक था कि मैं आज जाऊंगा ग्राउंड में, पूरा लगाऊंगा, 4 के अंदर लेकर के आऊंगा। इसी मोटिवेशन के साथ मैंने दौड़ा, क्योंकि देखो पावर तो सब में है, आप में भी है, शायद मेरे से ज़्यादा भी होगा, और बट एक माइंड का मोटिवेशन भी होता है। अगर आपका अच्छा मोटिवेशन है, जुनून है, तो आप पूरा उसे ज़रूर कर पाएंगे, ठीक है। एक मिस्टेक जो मेरे से हुई है आज, वो मैं बता दूँ कि ये देखिए मेरा शू लेस खुल चुका है, तो मैंने बताना भूल गया, आप जो है ना दौड़ने से पहले इसको ज़रूर अच्छे तरीके से बांध लें, वरना अगर दौड़ते वक्त ये खुल जाएगा तो आपको दौड़ने में थोड़ी परेशानी होगी। हालांकि मेरा शूज़ ऑलरेडी टाइट है इसलिए निकला नहीं तो दिक्कत आपको हो सकती है। भाई साहब जो मनोज कमन,
मनोज जी का भी इम्प्रूवमेंट हुआ है भाई। पहले इनका 4:40 में आता था, आज इन्होंने 4:22 में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, देखो जब 1050 करते हैं ना तो 10-15 सेकंड का डिफरेंस आ जाता है। पीछे जो वहाँ पे है 50 मीटर पहले हम लोग स्टॉप करते हैं, वहाँ मेरा 4 मिनट आया था, 1050 में 4:13 आया है, तो कुल मिलाकर के 12-13 सेकंड का डिफरेंस आ जाता है। भाई का भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुआ है ये ज़रूरी है। बाकी एक भाई जी थे वो पूछ रहे थे जो बिगिनर्स हैं वो क्या करें, तो देखो बिगिनर्स के लिए सिंपल सा मोटिवेशन ये है कि आप पहले 1000 मीटर दौड़ो, चाहे स्लो दौड़ो, जैसे जिस तरीके से आप दौड़ सकते हो, बीच में रुकना नहीं है। 1000 मीटर को कंप्लीट करो, भले आपको 6 मिनट लगे, 8 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा करो। डे बाय डे उसे इम्प्रूवमेंट करते जाओ, अपने रनिंग को फास्ट करते जाओ। ठीक है, और धीरे धीरे 2 किलोमीटर का, 2.5 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का भी आप स्लो जॉगिंग करो। उससे क्या होगा, आपकी जो सांस फूलती है दौड़ने में, जो पेट में दर्द होने लगता है, पैर जाम होने लगता है, उन सभी चीज़ों से आपको रिलैक्स मिलेगा अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हो, भले ही टाइम ज़्यादा लगे। फिर सप्ताह में 1-2 दिन ऐसा रखो जिसमें आप 1000 मीटर का एक सेट टाइम के साथ में दौड़ो, तो आपकी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। बाकी एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद बैठना नहीं होता भाई, ये ध्यान में रखना। एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद बैठना नहीं होता है, आपको एक्सरसाइज करना होता है। जैसे देख लो आप मनोज जी कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो दौड़ के आने के बाद आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रेचिंग करने के लिए आप इस तरीके से ये कर लो। अगर ऐसा करने से होता क्या है कि आपकी जो पैर जाम होने लगती है, थाई और ये जो लॉक होने लगता है ना, वो नहीं होगा। दोबारा से आप अपने हाथ पैर जो है हिला लो, थोड़ा बहुत जंपिंग वम्पिंग कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी। तो स्ट्रेचिंग में ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप ये चीज़ कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये जो आपका लेग लॉक होने लगता है उससे काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपकी जो क्वेरीज है ज़रूर मुझे सेंड करिएगा। आप लोगों के जो कमेंट्स आए थे पिछले वीडियो में उसका मैंने जवाब दे दिया है, शूज़ कौन सा पहनना है। बाकी और भी जो चीज़ें डाइट के ऊपर मैं बताना चाहूँगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊँगा कि डाइटिंग आपको किस तरीके से करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।